छठे दिन की देवी माँ कात्यायनी हैं, जिनकी पूजा नवरात्र के छठे दिन की जाती है। उनके जन्म की कथा बहुत रोचक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है कि महर्षि कात्यायन नाम के एक महान ऋषि थे, जिन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। महर्षि की इच्छा थी कि उन्हें माता पार्वती के रूप में देवी का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने वरदान दिया कि वे उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लेंगी। उसी समय राक्षस महिषासुर ने धरती और स्वर्ग में भारी उत्पात मचा रखा था। देवताओं ने महिषासुर को पराजित करने के लिए त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रार्थना की। तीनों ने अपनी अपनी शक्तियों का संयोजन कर एक शक्ति उत्पन्न की, जिससे देवी कात्यायनी का जन्म हुआ। उनका जन्म महर्षि कात्यायन के घर में हुआ, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। देवी कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर देवताओं और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। इस कारण माता कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देवी का यह रूप अत्यंत शक्तिशाली और रौद्र है, जो बुराई का नाश करने के लिए प्रकट हुआ था। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है और वे चार हाथों में कमल, तलवार और वरमुद्रा धारण करती हैं। भक्तों का मानना है कि कात्यायनी देवी की पूजा से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से महिषासुर के वध की स्मृति में की जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।